दर्शकों नमस्कार। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मीरे। दर्शकों आज खास मुलाकात इस कार्यक्रम में शहर के एक ऐसी पर्सनैलिटी इस समय में इंबिशन के स्टूडियो में मौजूद है जिन्होंने काफ़ी अच्छे कामकाज किए हैं और पुलिस प्रशासन के कामों की सराहना करते हुए हर कामों पर जैसे कि कोई उपद्रवी तत्व थे उनके ऊपर में पूरी तरह से अंकुश पाने में जो कामयाब हुए और 2014 के आईपीएस बैच के डीसीपी इस समय में हमारे साथ में लोहित मतानी सर है। मैं सबसे पहले मतानी सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में। दर्शकों हम डीसीपी लोहित मतानी साहब से तो बात करेंगे, उनसे कई सवाल भी जानना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले में ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आज के हमारे मेहमान डीसीपी साहब का इंट्रोडक्शन दें। तो दर्शकों इनका अगर मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि मतानी साहब आपकी जो पढ़ाई है वो बीटेक और एमटेक आपने किया है, वैसे आप प्रॉपर राजस्थान से बिलोंग करते हो और 2014 के आईपीएस बैच के आप अधिकारी हो, और जहाँ 2016 की बात आती है तो आप 2016 से बखूबी के साथ पुलिस प्रशासन की सेवाएँ दे रहे हो। इतने नहीं तो अब तक के आपने जो है अमरावती के चाहे फिर SRPF के कमांडेंट रहने का बहुमान आपको मिला हो, वहाँ की जिम्मेदारी आपको मिली हो, तो आपने अपनी एबिलिटी वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से प्रूव की है। इतने नहीं तो 2017-18 की यदि बात किया जाए तो सर आपने रामटेक में SDPO का चार्ज लिया था और वहाँ भी आपके कामों की सराहना हुई है, आपने काफ़ी अच्छे वहाँ पर काम किए। फिर चाहे जलगांव हो अमरावती हो तमाम राज्य भारत के अंतर्गत आने वाले कई राज्यों में राज्यों के अंतर्गत आने वाले कई शहरों में जिस प्रकार से मतानी साहब डीसीपी इन्होंने जो काम किया है वो तारीफ़ काबिल है। जैसे कि मैंने पहले आपको कह दिया हूँ दर्शकों कि चाहे जलगांव हो अमरावती हो अब इसके बाद सर आए हुए हैं नागपुर के उस संतरा नगर उस शहर में जिस शहर में एक सभी जाति धर्म पंथ के लोग रहते हैं, बड़े पैमाने पे पॉलिटिशियन लोग रहते हैं, गुंडागर्दी भी बड़े पैमाने पे, जनसंख्या आबादी भी बहुत बड़े पैमाने पे है। ऐसे में डीसीपी मतानी साहब के लिए एक चैलेंज भरा ये काम तो होगा ही होगा, क्योंकि नागपुर शहर का जिस प्रकार से विस्तार जो चल रहा है जो बढ़ रहा है नागपुर शहर आज नागपुर पहचान में नहीं आ रहा है। तो डीसीपी Zone 3 के डीसीपी साहब से हम बात करेंगे। सर ये रहा आपका परिचय जो हमने हमारे दर्शकों को दिया है। सर मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ और ये रहा इंबिशन के खास मुलाकात का पहला सवाल। शहर में आपराधिक ग्राम को जो जिस कदर जो बढ़ रहा है आपराधिक ग्राम जो बढ़ रहा है सर उसे कैसे नियंत्रित किया जा रहा है, नियंत्रित करने के लिए क्या कोई फॉर्मूला है आपके पास? देखिए जैसे कि कहा जाता है नागपुर महाराष्ट्र का क्राइम कैपिटल है और आपने जैसे बताया कि आपराधिकरण बढ़ रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे शहर की जनसंख्या बढ़ रही है जैसे जैसे अलग अलग भारत के अलग अलग भाग के लोग नागपुर में रहने आ रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पर स्लम एरियाज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्राइम सिचुएशन को अफेक्ट हो रहा है और ऐसा हर जगह ही होता है। जिन भी शहरों में जो भी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ बनी हैं जहाँ पर स्लम एरियाज बढ़े हैं वहाँ पर क्रिमिनल सिचुएशन डेटोरेट होती ही है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए एक सेट पैटर्न है जो हमेशा हर जगह एक फॉलो किया जाता है जिसमें हम लोग प्रतिबंधक कार्रवाई पर अपना बल बढ़ाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो लोग पहले से ही किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं कोई ना कोई गुनाह कर चुके हैं उन पर हम लोग नियंत्रण करें और ये पूरा प्रयास करें कि वह किसी प्रकार का गुनाह दोबारा ना कर सके। उसमें जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अलग अलग सेक्शंस हैं, सेक्शन 107 है 110 है जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स पे प्रतिबंधक कार्रवाई के बारे में बोलता है। इसके अलावा अगर कोई दो लोगों के बीच में दो पार्टीज के बीच में ज़मीन के ऊपर वाद है या कोई पुराना किसी बात पे झगड़ा है उन पे हम लोग प्रतिबंधक कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा कुछ कठोर कानून भी महाराष्ट्र ने पारित किए हैं जिसमें आता है महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट MPDA। हम कोशिश करते हैं कि जो बहुत ही कठोर क्रिमिनल्स हैं उन पे हम लोग इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करें। तो ये प्रतिबंधक कार्रवाई से हम लोग का प्रयास रहता है कि क्रिमिनल सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल कर सकें और जो क्राइम हो सकता है जो हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि ये क्राइम पॉसिबल है हो सकता है उसको हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, किस तरह से क्राइम को रोका जा सकता है और कैसे नियंत्रित तो उसके ऊपर में अंकुश पा सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी डीसीपी साहब ने हमको दी है। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये भी था कि पिछले 5 वर्षों से आप पुलिस प्रशासन की बेहतर सेवा कर रहे हो, ऐसे में जहाँ जो गुंडागर्दी करने वाले तत्व होते हैं या जो अपराधी होते हैं, आपका ऐसा कोई किस्सा बताइए कि जो आपका मतलब यादगार पल हो, जिसे आप कतई भूल नहीं सकते, ऐसा अगर मैं बोलना चाहूँ तो वो कौन सा ऐसा आपका अनुभव है, प्लीज़ हमारे दर्शक के साथ आप शेयर कर सकते हो। देखिए, 2 या 3 ऐसे मैं पल बताना चाहूँगा, कुछ क्राइम से जुड़े हुए हैं, जब एक महत्वपूर्ण क्राइम हुआ जिसको डिटेक्ट करना मुश्किल था, कुछ लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं। तो रामटेक में, जैसे आपने जिक्र किया कि मैं रामटेक में SGPO था, तो वहाँ पर एक 60 लाख रुपए की डकैती हुई थी, जहाँ पर एक चिचाड़ा करके गांव में एक बैम्बू की फैक्ट्री थी, बैम्बू से फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री थी, और वहाँ पर एक दुधाराम सवालाखे के फैक्ट्री में से जो उनकी मशीनरी थी वो पूरी चोरी हो गई थी, और उसका कनेक्शन नागपुर शहर से था कि वो जो मशीनरी चोरी हुई थी उसका लोहा स्क्रैप मार्केट में यहाँ पर बेचा गया था। तो पहले 3 महीने तक हम लोग को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि कोई कैमरा नहीं था, कोई वहाँ पे CCTV नहीं था, हम लोग को कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये चोरी कैसे हुई। हमारे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन भी था कि भाई इसको हम लोग को डिटेक्ट करना है। 3 महीने के बाद शहर की पुलिस की मदद से और ग्रामीण की पुलिस ने मिलकर गुप्त माहिती के ऊपर लोगों को डिटेन किया, और उसके बाद वो चीज़ हमने जब्त की। तो वो एक बहुत ही हमारे लिए एक खुशी का पल था कि 3 महीने की मेहनत के बाद हम लोग ये पहचान पाए कि भाई ये डकैती किसने डाली, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी क्राइम से वो वहाँ पर कमी भी आई। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा रामटेक में हुआ था। बात 2018 की थी, जब पूरे देश भर में किसान आंदोलन चल रहे थे, और उस समय रामटेक में भी किसान आंदोलन चल रहे थे, और कोई हमेशा जैसे रहता है कि एक पार्टी अगर किसी चीज़ को सपोर्ट करती है तो अपोजिशन वाली पार्टी उसको अपोज करती है, तो वहाँ पर भी एक पार्टी ने उसको सपोर्ट किया था और एक पार्टी ने अपोज किया था। तो जो पार्टी सपोर्ट कर रही थी वो दुकानें बंद करवा रही थी, और जो पार्टी अपोज कर रही थी वो दुकानें खुलवा रही थी। इसी बात पर झगड़ा होने पर जो हजारों की तादाद में लोग आंदोलन में थे वो आपस में भिड़ने लगे, और पुलिस को वहाँ पर एक हिंसा को रोकने की भूमिका निभानी थी। तो वहाँ पर हम लोगों को, हमने पहले उनको प्यार से समझाया कि भाई आप हिंसा मत करिए, आप आंदोलन करने आए आंदोलन कीजिए, लेकिन उस समय वो इस बात को हमारे जो हमने समझाया वो नहीं समझ पाए। तो हमको फिर एक सौम्य प्रकार का लाठीचार्ज उन पर करना पड़ा, और जो आरोपी थे उनको डिटेल करना पड़ा, जितने भी भले ही वो पार्टी के कोई भी पार्टी के थे या किसी भी पक्ष के थे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि किसी ने भी उस घटना में पुलिस के ऊपर उंगली नहीं उठाई, सभी लोगों ने ये समझा कि पुलिस ने पूरा प्रयास किया, पहले प्यार से समझाया, ना होने पर उन्होंने अपना बल का इस्तेमाल किया। तो मीडिया ने सभी तरीके से पुलिस का सपोर्ट किया, पुलिस की अपनी बात को रखा, और हमारे जो स्टेप था उसको एक अच्छी तरीके से पब्लिक के सामने पेश किया। तो ये 2 पल थे जो नागपुर से जुड़े हुए थे, जो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से सर ने बताया कि दुधाराम जी सवालाखे, इनकी रामटेक में एक बाम्बू की फैक्ट्री थी, और वहाँ की जो मशीनरी जो चोरी हुई थी, पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजेबल ऐसा काम था। इतने नहीं तो रामटेक का ही दूसरा उन्होंने ये एक घटना बताई कि 2 ग्रुप लोग आपस में बड़ी संख्या में कैसे टकराव पैदा हुआ था, और टकराव की स्थिति इस कदर थी कि बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी, और लोगों में जो एक अराजकता जो बड़ी थी, या वो कुछ ऐसे माहौल गरमाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा ख़ासतौर पे DCP साहब ने तब उस जो परिस्थिति को जिस प्रकार से हैंडल किया, उन्हें जो नियंत्रित किया, वो तारीफ़ काबिल है, ऐसे मैं कहना चाहूँगा। अगर सर ने वहाँ की परिस्थिति को कंट्रोल नहीं किया रहता तो सर आज चित्र कुछ और होता, मगर ये आपके कार्य की इसीलिए लोग सराहना करते हैं लोहित साहब के, आपने जिस प्रकार से काम किया है बखूबी के साथ किया है। सर, मेरा एक सवाल ये भी था कि आए दिन हम देखते हैं कि शहर में क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, लेकिन ख़ास तौर पे कौन सी ऐसी घटना है जिसमें ज़्यादा इजाफा हो रहा है? देखिए कि जो सबसे बड़ा सरदर्द रहता है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, जिसपे हम लोग
सबसे ज़्यादा बल देते हैं वो है बॉडी ऑफेंसेस, और उसमें भी सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर। जी तो जैसे कि मैंने बताया कि शहर में स्लम एरियाज बढ़ रहे हैं, बाहर से जो लोग रहने आ रहे हैं, और उसमें क्योंकि रोज़गार की कमी होने की वजह से एवं क्या कहते हैं रहने की जगह कमी होने की वजह से जो एरियाज में लोग बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है, कई लोग नशाखोरी में आ रहे हैं, कुछ लोग शराब पीने की प्रवृत्ति में आ रहे हैं। और इन सब चीज़ों से होता क्या है कि जब उनके दिमाग पे अपना कंट्रोल नहीं रहता तब छोटी छोटी बातों पर क्राइम हो जाता है, जो मर्डर अटेम्प्ट टू मर्डर जो एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है भारतीय समाज में, वो ये नशा करने के बाद बहुत छोटा सा लगने लगता है। तो छोटे छोटे बात पर, छोटी छोटी बातों पर जो मर्डर्स के केसेस हो रहे हैं, वो एक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसको रोकने के लिए जो आदरणीय कमिश्नर साहब की जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हम लोग रूट कॉज को एड्रेस करें कि भाई अगर शराब अगर बिक रही है तो वो लोग, अगर एक वाइन शॉप में शराब बिकती है तो वाइन शॉप में शराब बेचने का मतलब होता है कि भाई लोग वहाँ से शराब लें और घर में जाके उसका सेवन करें। अगर NDPF में मारिजुआना बैंड है, MD ड्रग बैंड है, तो वो नागपुर शहर में ना बेके, ये NDPF एक्ट का पर्पस है। तो कमिश्नर साहब का और बाकी सभी DCPs का यही फोकस है कि जो चीज़ लीगल है वही चीज़ नागपुर में चले और इलीगल चीज़ ना चले। वाइन शॉप लीगल है माना जाता है, लेकिन वही वाइन शॉप में अगर लोग रोड पर शराब पी रहे हैं तो इलीगल है, अगर उसी वाइन शॉप से लोग बहुत सारा वाइन लेके बस्तियों में बेच रहे हैं तो वो इलीगल है। तो हम लोग की कोशिश है कि ये चीज़ों को अगर हम लोग रोक सकते हैं, सोशल जो मलेस हैं जैसे कि इलीगल अल्कोहल, ड्रग्स, सट्टा जुगाड़, इन चीज़ों को अगर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग जो मर्डर की संख्या जो बढ़ रही है उस पर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि लोग अपने घरों में रहेंगे, जो चीज़ अगर उनको शराब पीनी भी है तो सही तरीके से खरीद कर अपने घरों में पियेंगे, और रोड पर ये चीज़ें नहीं होंगी। जब जितनी कम होंगी उतना ही हम लोग मर्डर को कम कर पाएंगे और लोगों का जो माइंड है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल, लोगों को कैसे, उनके माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में DCP साहब ने जानकारी दी। और दर्शकों मैं आपको बता दूं, और बहुत से हमारे दर्शकों को ये भी मालूम है कि आज की नागपुर की यदि स्थिति देखा जाए तो हर चौराहों पर जो ठेले लगते हैं उसी के बगल में लोग शराब की बोतल पानी लेके वहाँ पीते हैं, बड़े पैमाने पर पीते हैं, और कुछ तो ऐसे शराबी होते हैं कि पीने के बाद में वो बोतलें सड़क पर ही फेंक के चले जाते हैं, जिससे कई दुर्घटना होने के आसार रहते हैं और कई ऐसे वाहन हैं जो पंक्चर भी होते रहते हैं, और इसी से क्राइम जो बढ़ता है इसी वजह से बढ़ता है। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि अगर आम पब्लिक को यदि ये नज़ारा दिखता है तो पुलिस वाले को क्यों नहीं दिखता, क्योंकि चौक में जिस तरह से ये जो कामकाज शुरू है, पुलिस जो जनरल पुलिस है जो चलती फिरती है जिनके निगाहों के सामने होती है, वो उनके ऊपर में अंकुश क्यों नहीं लगाते, कहीं दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल ही काली होती है। देखिए इसमें डेली आप अगर देखें, हम लोग का डेली क्राइम रिपोर्ट देखें तो रोज़ हर पुलिस स्टेशन में अंडा भुर्जी वालों पर, ठेले वालों पर रोज़ कार्रवाई होती है, एवं डेली हर पुलिस स्टेशन में अगर आप नज़ारा देखेंगे बहुत सारे ठेले जब्त किए जाते हैं, बहुत सारे ठेले वालों पर कार्रवाई की जाती है, एवं जो लोग ठेले पर शराब पी रहे हैं या शराब पीते हुए रोड पर मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। रात भर पुलिस काम करती है, रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तो उस समय पर भी लोग, पुलिस ये देखती है कि रास्ते पर शराब पीते हुए कौन घूम रहा है या फिर कोई भीड़ में वहाँ पर दंगे कर रहा है या मस्ती कर रहा है, उनको लोग पुलिस स्टेशन में लाकर उन पर जो कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दाल में कुछ काला है, जो समाज है समाज में पुलिस उसी तरीके से उसको हैंडल करती है, समाज में जो दिक्कतें हैं उसमें कानून में जो प्रावधान है उसके हिसाब से डेली पुलिस काम कर रही है। हमारा एम रहता है कि पूरी स्वच्छता हो, लेकिन पूरी स्वच्छता करना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। हम भी जैसे स्वच्छ भारत अभियान में स्वीपर्स होते हैं, वो गंदगी को साफ करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गंदगी आती रहती है, वैसे ही हम लोग पुलिस वाले भी डेली अपनी कार्रवाई से इन गंदगियों को साफ करने की कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरे दिल से करते हैं, और दाल में कोई काला होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं, दाल में काला होने का मतलब मेरा वो नहीं था, दाल में काला होने का मतलब है कि अगर आंखों के सामने दिख रहा है और वो पुलिस के अधिकार उनके हाथों में होते हैं वो कार्रवाई नहीं करते, कहने का तात्पर्य कि कुछ उनसे कुछ सेटिंग होती है कि ये मेरा नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, उसी मैं भी उसी बारे में बात कर रहा हूँ। तो डेली कार्रवाई होती है और आंखों के सामने दिखने पर कार्रवाई होती है। हाँ ऐसा जरूर हो सकता है कि पुलिस
किसी मर्डर स्पॉट पर रश कर रही हो और वहां पर उसको ये समय नहीं है कि भाई मैं इस पे कार्रवाई करूं, उसको कोई दूसरा बड़ा काम है और उस समय वो उस पे कार्रवाई ना कर पाए, ये जरूर होता है। लेकिन जिसको ये काम दिया गया है, क्योंकि हर पुलिस वाला हर काम नहीं करेगा, कोई दूसरी जगह पे जा रहा है उसके सामने अगर ठेले वाला दिख जाए तो जरूरी नहीं है कि वो ठेले वाले को रोके, क्योंकि उसको दूसरी जगह जाना है। लेकिन एक बीट मार्शल को काम दिया गया है कि भाई जितने भी लोग शराब पी रहे हैं, रस्ते पी रहे हैं, उस पर आपको कार्रवाई करनी है। एक को काम दिया गया है कि रात में आपको वो कार्रवाई करनी है। एक को काम दिया गया है कि भाई आपको देखना है सादे कपड़ों में बैठकर कि कोई चोर चकार तो यहाँ पे नहीं घूम रहे। तो सबको अपना अपना काम दिया गया है, उस प्रकार से सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत बार जरूरी आप जो बोल रहे हैं ये बात होती है कि भाई पुलिस वाले रहते हैं और उस समय वो उस पर कार्रवाई नहीं करते, कारण कि भाई वो किसी दूसरे काम के लिए जा रहे होते हैं और उसमें उनका कोई दूसरा मकसद होता है। कभी कोई वीआईपी आया होता है, कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है, लेकिन कोशिश पूरी ये रहती है कि भाई ये चीज ना हो। और उसमें आप 2019 के मर्डर्स को 2020 से कंपेयर कर सकते हैं, 2018 के मर्डर को 2019 से कंपेयर कर सकते हैं, या फिर अभी आने वाले साल का जो मर्डर का जो ग्राफ होगा उसको आप 2020 से कंपेयर कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि 2019 में मर्डर से 20 में कम हुए, 20 से फिर 21 में कैसे कम होते हैं। तो वो हमारा जो प्रयास है वो आपको उसमें क्राइम चार्ट में देखने को मिलेगा। बिल्कुल नहीं, जहाँ मैं आपराधिक ग्राफ की बात करूँ तो ये बात कुछ हद तक के सही है कि आपराधिक ग्राफ जो था बीच में बहुत कम हुआ था, और जिसके चलते पूर्व जो पुलिस कमिश्नर थे डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय और तमाम लोगों से हमने बात की, और जब हमने पूरे थानों के जब रिकॉर्ड खंगाले तब ऐसा पता चला हमको खंगालने पर कि सही में आपराधिक ग्राफ कम हुआ था, लेकिन अपराध हो रहा है और पुलिस भी पैनी नज़र रखी हुई है। सर, इसी को लेकर मेरा एक सवाल ये था कि आज के तारीख में पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है, क्योंकि आपके के कोतवाली थाने में एक महिला पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम ज्योति पांताव ने, उसको 50,000 की बैग मिली थी और उसने वो बैग को उसी मालिक को वापस किया पुलिस थाने में लेकर, तो उन्होंने उनके कामों की काफ़ी तरफ सराहना हो रही है। कहने का तात्पर्य कि एक तरफ ऐसे भी बढ़िया पुलिस वाले कामकाज कर रहे हैं जिनके कामों की प्रशंसा हो रही है, सराहना हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो इसमें ग्रहण लगाने का काम भी कर रही है, यानी उनके जो कामकाज जो है सुचारू ढंग से पुलिस प्रशासन के सही नहीं हो रहे। दिस इज रियल फैक्ट आई एम सेइंग यू। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि ऐसे पुलिस वालों को, अच्छे काम करने वाले के आप सम्मान करते हो, मगर ऐसे पुलिस वालों के लिए कुछ हिदायत दोगे क्या? देखिए, पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी जो होते हैं वो भी इसी समाज से आते हैं, और इस समाज में जो बुराइयाँ हैं वही बुराइयाँ पुलिस डिपार्टमेंट में भी आ जाती हैं, कि जैसे लोग समाज में रहते हैं वैसे ही लोग प्रशासन में रहते हैं, उसी प्रकार का प्रशासन जनता को मिलता है। तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट में सभी लोग बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और सभी लोग अच्छा काम करने लगेंगे। जैसे कि सभी जगह होता है, हॉस्पिटल में होता है, क्या कहते हैं, साइंटिस्ट की फील्ड में होता है, मीडिया में होता है, हर जगह ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोग उस प्रोफेशन को डुबाने में लगे रहते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई वरिष्ठों की नज़र आपके ऊपर है, और हम लोग की एक जो अभी का जो प्रशासन है, जो अभी का पुलिस प्रशासन है नागपुर शहर का, हम लोग इतिहास को देखते हैं, इतिहास में जिन लोगों ने गलत काम किया है उन पे हम लोग पैनी नज़र रखते हैं, और एक खुफिया माहिती भी हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि कोई अगर गलत काम कर रहा है उसके किससे कनेक्शंस हैं और वह किसके साथ उठता बैठता है, इस तरीके की माहिती निकाल कर हम लोग कोशिश करते हैं कि, और इसमें हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये करते हैं किसी पे कार्रवाई करने से ज़्यादा कि जो आदमी ऑनेस्ट है, जो ईमानदार है, उसको हम लोग महत्वपूर्ण काम दें, और जो आदमी के ऊपर सवालिया निशान है उसको हम लोग कम महत्वपूर्ण काम दें, क्योंकि कार्रवाई करना, उस पर सजा दिलवाना, वह एक अलग पहलू हो जाता है जी। उसमें हम लोग प्रूफ करना पड़ता है, कोर्ट में जाके उसका प्रूफ देना पड़ता है, हो सकता है कभी कभी इन्वेस्टिगेशन खराब होने की वजह से या फिर वो पुरावे ना होने की वजह से सजा नहीं लगती उन लोगों को, लेकिन कम से कम हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि हमारी गोपनीय माहिती के ऊपर से हम लोग जो लोग हम लोग को लगता है ईमानदार है उनको अच्छी जगह पर रखें, महत्वपूर्ण जगह पर रखें, अच्छी जगह तो नहीं बोलूंगा मैं, महत्वपूर्ण जगह पर रखें, और जो लोग को हम लोग को लगता है कि उतने ईमानदार नहीं है उनको हम लोग कम महत्वपूर्ण काम दें, ताकि एक पब्लिक के से जो इंटरेक्ट करते हैं वो
एक ईमानदार लोग इंटरेक्ट करें। बिल्कुल मतारी साहब, ये तो बात हुई थी अच्छे कामों की, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ये भी है, मेरे नहीं बल्कि दर्शकों के जहन में, दर्शकों का ये सवाल था कि आप DCP हो या बड़े पुलिस अधिकारी जो भी आपसे वरिष्ठ है वो भी, जब कोई ऐसी घटना होती है या किसी भी पार्टी का, पूरे भारतवर्ष में कई पार्टी है, नागपुर शहर में पूरी तरह से कार्यरत, किसी पार्टी का कोई नेता हो या कार्यकर्ता जब कुछ गलती कर देता है और जब आप उसको अरेस्ट करते हैं या कानूनी कार्रवाई करने जाते हो, ऐसे समय में क्या उस पार्टी के कोई बड़े नेता का या फिर किसी बड़े कार्यकर्ता का कोई आप पे दबाव रहता क्या? देखिए, पहली बात तो पुलिस डिपार्टमेंट जो रहता है वो किसी पार्टी का नहीं रहता, वो राज्य सरकार का रहता है, और वह जो अधिकारी एक पार्टी के समय पर रहते हैं वही अधिकारी दूसरी पार्टी के समय पर रहते हैं, तो एक जो ब्यूरोक्रेसी रहती है वो कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है। और हाँ, आप जैसे बता रहे हैं कि किसी बड़े कार्यकर्ता का दबाव रहता है क्या, ये दबाव किसी पार्टी के कार्यकर्ता पे हम लोग कार्रवाई करते हैं तब भी रहता है, उसके अलावा किसी हम लोग बड़े क्रिमिनल पे कार्रवाई करते हैं तब भी रहता है, किसी बड़े उद्योगपति पे कार्रवाई करते हैं तब भी रहता है, कोई ऐसे आदमी पे कार्रवाई करते हैं जो सिविल सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए तो कहा जाता है कि यह एक ऐसा जॉब है, ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपके ऊपर डेली ही कोई ना कोई प्रकार का दबाव रहता है, तो हम लोग उस चीज़ से आदी हैं, उस दबाव से कैसे, उस दबाव को कैसे मैनेज करना है, उस दबाव में आते हुए कैसे अपने कार्य को पूरा करना है, वो हम लोग को सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, और जैसे जैसे हम लोग अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं हम लोग काम करते करते भी वो चीज़ सीखते हैं, लेकिन दबाव हमेशा रहता है और हर तरह से रहता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से DCP लोहित मतानी साहब ने ये कहा है कि ऐसी कोई घटना होती है तो दबाव जरूर बना रहता है, मगर उन दबाव को दरकिनार करने का काम अच्छा पुलिस प्रशासन कर रही है, किसी नेता को, कोई भी पार्टी का चाहे नेता हो या फिर कार्यकर्ता, उन्हें वो तवज्जो नहीं दिया जाता, और जिनके ऊपर में जो कार्रवाई करना है पुलिस प्रशासन बखूबी के साथ कार्रवाई कर रही है, इसीलिए पुलिस के बारे में आज भी जनता का जो विश्वास है इसीलिए बरकरार है। सर, मेरा एक सवाल ये था कि आए दिन नागपुर शहर की तो जनसंख्या बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, कामकाज बढ़ रहे हैं, वाहनों की भी संख्या बढ़ रही है, मगर अफसोस कि पुलिस की संख्या काफ़ी कम है, ऐसे में कितने दिक्कतों का सामना आप पुलिस प्रशासन को करना पड़ता है कम पुलिस की संख्या होने जो है आपके पास? अब देखिए, पुलिस की संख्या जो पॉपुलेशन के हिसाब से है वो एक तरीके से आप जो कह रहे हैं सही है कि कम है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि ये जितनी बढ़ा दी जाए उतनी वो कम लगती है, तो सरकार ने इस चीज़ पर दखल तो ज़रूर देना चाहिए, सरकार टाइम टू टाइम इस चीज़ पर दखल देती है, एक प्रोसीजर रहता है कि जो अगर जो यूनिट कमांडर है उनको लगता है कि एक पुलिस स्टेशन में जो कॉन्स्टेबलरी है वो कम है, तो वो अपने तरीके से लेटर लिखते हैं और ऊपर सरकार उसको मंजूर करती है। इसी प्रकार से शहर में नए नए पुलिस स्टेशन बनाए जाते हैं, जैसे कि अभी एक डेढ़ साल पहले लकड़गंज को विभाजित कर शांतिनगर बनाया गया, शांतिनगर में और कर्मचारी दिए गए, तो ये एक प्रोसीजर है जो चलता रहता है, और धीरे धीरे क्या कहते हैं लोग बढ़ाते जाए जाते हैं, नए नए पुलिस स्टेशन बनते हैं, नए नए शहर बनते हैं, अलग अलग घटनाएं बनती हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कभी भी ये मानसिक एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि भाई पुलिस कम है और जनता ज़्यादा है, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, ये कोई चाहे तो कम बोल सकता है, कोई चाहे तो इसको ज़्यादा बोल सकता है, कोई चाहे तो बोल सकता है कि नहीं जैसा है अच्छा है, इसमें डिपेंड करता है कि जो लीडरशिप है वो किस तरीके से मैनेज करती है, किस तरीके से प्रतिबंधक कार्रवाई करती है, किस तरीके से लोगों को काम डिस्ट्रीब्यूट करती है, लिमिटेड रिसोर्सेज में किस तरीके से काम निकालती है, और जो पूरा ट्रेनिंग होता है, जो पूरा इकोनॉमिक रिसोर्सेज को हम लोगों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये मैन पावर भी एक तरीके का ह्यूमन रिसोर्स है, एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज उसको हम लोग को किस तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले, यही हमारी ट्रेनिंग रहती है और यही हम लोग को बचपन से लेके स्कूल से लेके सभी लोगों को सिखाया जाता है। बिल्कुल, जहाँ पुलिस की संख्या कम हो तो पुलिस की संख्या कम होना ये कोई बात नहीं होती, मगर जो पुलिस वाले हैं संख्या भले ही कम हो मगर अगर उनके कामकाज, अगर उनके क्वांटिटी और क्वालिटी में अगर मजबूत हो और बड़े पैमाने पे वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम करे तो पुलिस की संख्या कम नहीं है, ऐसा सर का कहना है, और कुछ हद तक इस बात को डिनाई भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बात सही है, क्योंकि आज पुलिस भले कम है मगर पूरी तरह से
इस नागपुर शहर पर कंट्रोल पाए हुए है। सर, ये तो रही तमाम बातें, अब मैं कुछ ऐसी बातों के रुख करता हूँ जैसे गेम के बारे में बात करना चाहूँगा। ऐसे कहा जाता है कि आप, अब इधर देखिए ना मुझे, मेरे जी 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 मतारी साहब, ऐसे कहा जाता है कि आप बहुत बड़े एक फुटबॉल के प्लेयर थे, और आपको जैसे गेम के बारे में मैं बोलना चाहूँ तो फिर चाहे फुटबॉल हो या बास्केटबॉल हो, लेकिन मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि सर, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई मोबाइल के पीछे लगा हुआ है, और देश में जिस प्रकार से खिलाड़ी जो होना चाहिए वो नहीं हो रहे, कहने का तात्पर्य है कि खिलाड़ी कम हो रहे हैं और गेम की तरफ लोगों का आकर्षण कम हो रहा है, इसकी क्या वजह है और किस तरह से लोग अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं कोई प्लेयर? देखिए, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है मोबाइल की तरफ लोगों का जो रुझान है जी, तो लोगों को लगता है कि हर चीज़ अब मोबाइल पर खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेलना है तो मोबाइल पर खेल रहे हैं, और हर गेम अब एक लूडो के जैसा बन के रह गया है। मतलब जैसे लोग लूडो खेलते थे, आज फुटबॉल खेल रहे हैं, आज बास्केटबॉल, सब मोबाइल पे खेल रहे हैं। जी जी। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैं SRPF अमरावती में कमांडेंट था, वहाँ पर हम लोग के अंडर में क्राइम का काम नहीं आता था लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का काम आता था। तो वहाँ पर हमने ये पहल छेड़ी थी कि जो भी पुलिस की फैमिलीज हैं उनके जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में रुचि रखें, और वहाँ पर हमने सभी प्रकार के उनको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी प्रकार के स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मैंने वहाँ पे प्रोवाइड करवाई उनको, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, एयर राइफल शूटिंग, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग, रनिंग, इस तरीके की हमने फैसिलिटी इसलिए प्रोवाइड करवाई ताकि बच्चे जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो ना करें और फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर स्पोर्ट्स खेलने आ रहे हैं तो वो कोई बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बन जाएंगे। जैसे कि मेरी भी फुटबॉल में रुचि है लेकिन मैं कोई फुटबॉल प्लेयर नहीं हूँ, मैं हूँ तो एक पढ़ाई करके UPSC क्वालिफाई करके मैं पुलिस में आया हूँ, लेकिन वो खेलने से जो मेरे को फ़ायदा ये होता है कि जब मेरा दिमाग, जो मेरा बॉडी हेल्दी रहती है तो मेरा माइंड भी अच्छे से काम कर पाता है, मैं अपना काम अच्छे से कर पाता हूँ। तो सभी जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये समझना चाहिए कि अगर वो एक घंटा स्पोर्ट्स के लिए निकालते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि उनका, उनके दिन का एक घंटा ख़राब हो जाएगा, बल्कि बचे हुए 23 घंटे में उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। और अगर वो एक घंटा स्पोर्ट्स के लिए नहीं निकालेंगे तो बचे हुए 23 घंटे में उनको ऐसा लगेगा कि कोई, उनको दिन भर नींद जैसी आ रही है, दिन भर उनको ड्राउजी लगता रहेगा और वो उसमें उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाएंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि भाई जहाँ पे भी भारत में जितने भी शहर हैं, जितने भी ग्राम हैं, सबसे पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। आज आप बताएंगे कि अगर ग्रामीण में देखें तो कितने फुटबॉल ग्राउंड हैं, कितने हॉकी के ग्राउंड हैं, क्या उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं? क्या उनको क्रिकेट खेलने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड, क्रिकेट तो चलो लोग कहीं पे भी खेल लेते हैं जी, आदत है, गली गली में खेल लेते हैं, लेकिन क्या बाकी गेम्स के लिए वह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं? हर ग्राम में फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। अगर वो की जाएंगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे जो हैं मोबाइल छोड़कर वहाँ पर जाएंगे, मोबाइल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो इंटरनेट का जो कॉस्ट है कम हो गया है और इजीली हर किसी को वो मोबाइल की अवेलेबिलिटी है, लेकिन उतनी ही इजीली गेम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये सरकार ने, लोकल लोगों ने, रेसिडेंशियल सोसाइटीज ने ये देखना चाहिए कि जितनी आसानी से मोबाइल मिल रहा है उतनी आसानी से उनको ये गेम्स भी मिल पाए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, हमने इतने सारे सवाल आपसे पूछा, हर सवाल का आपने जवाब दिया, लेकिन जब खिलाड़ी की जब बात आई तो दिल से आपकी ये बात निकली, सरकार हो या प्रशासन हो, DCP साहब ने ये जो बात कही है, ये जो मार्गदर्शन किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसके ऊपर में अमल होता है तो यकीनन गली से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके तो पूरे दुनिया तक यानी पूरे विश्व तक भारत का परचम गेम में लहराएगा, जैसे चाइना के कुछ खिलाड़ी अपना नाम, अपना परचम जो लहरा रहे हैं क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है। मगर अफसोस कि भारत देश के कई राज्यों में, राज्यों के कई शहरों में, शहरों के कई चीफ मिनिस्टर हो या जिसकी सरकार हो या फिर स्थानीय प्रशासन हो, ये खिलाड़ियों के लिए या युवाओं के लिए ऐसा कोई कामकाज पूरी तरह से नहीं कर रही है। दिल पे लेना चाहिए, उन्हें ग्राउंड मुहैया करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सर जब बड़े मैदान होते हैं तो किसी बाबा का प्रवचन चलता है, कहीं कोई प्रोग्राम चलता है, और लेकिन वो पूरी तरह से मैदान का जो कामकाज है वो नहीं दिया जाता, ये भी एक दुर्भाग्य की बात मैं कहना चाहूँगा। सर, आप बेहतरीन खिलाड़ी थे,
आपने काफी अच्छी जानकारी दी। सर मेरा सवाल ये भी है कि आप इसके साथ साथ एक लेखक भी हो। जी जी, क्योंकि पुलिस प्रशासन में ऐसे बहुत कम लोग देखा जा सकता है कि वे लोग ऑथर हो। जैसे कि हाल ही में आपने पिछले कुछ दिनों में मुझे ज्ञात है कि किताब मैंने पढ़ा था इंटरनल सिक्योरिटी, एक इंटरनल सिक्योरिटी नाम की एक आपकी किताब थी, उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि कैसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए इसके ऊपर में बखूबी के साथ आपने काम किया है, लिखा है, काफ़ी अच्छी सटीक जानकारी उसमें आपने बयां की है, दी है। साथ ही साथ जो सिविल सर्विसेज का जो इंट्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं होता, तो वो भी आपने काफ़ी अच्छा कामकाज किया है, यानी इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज, ऐसे तीन जो किताबें आपने लिखा है कि इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड थर्ड वन इज इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज, इसके बारे में आपको बताएं कि ये जो आपके मन में जो चल रहा था ये कैसे चल रहा था, और एक आप पुलिस प्रशासन में तो लेकिन एक ऑथर के तौर पर जब आप लिख रहे थे तो कौन से ऐसे विचारों को सामने देख कर आपने पूरा लिखान किया है, किताबें निकाली आपने? देखिए, मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं लिख था, मैं पास्ट में नहीं लिख रहा था, आज भी मैं लिखता रहता हूँ। गुड। और हो सकता है कि आगे जाने के बाद और भी किताबें मैं पाठकों को प्रोवाइड कर पाऊँगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही लेकर मेरी एक आदत रही है कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहूँ और वह पढ़ने के बाद मैं कुछ ना कुछ उसमें से लिखता रहूँ। तो ये मेरी एक हॉबी आप कह सकते हैं रही है, और जब से मैं पुलिस में मैंने ज्वाइन किया है तो मेरी ये कोशिश रही है कि मैं सवेरे का समय निकालूं और कुछ ना कुछ मैं उस समय पे 2 या 3 घंटे मैं कुछ लिखूं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि मैं सवेरे जल्दी उठ पाता हूं, सुबह अगर 5 बजे अगर मैं उठ जाता हूं तो सवेरे 5 से लेकर 8 बजे तक मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसमें अपने मन में जो मेरे चल रहा है, जो मेरी नॉलेज है, उसको मैं लिखने की पूरी कोशिश करता हूं। तो यही चीज़ मैं पिछले 5 सालों से करता आ रहा हूं, उसी का नतीजा है कि मैं ये 3 किताब लिख पाया हूं। और इसके पीछे की अगर आप प्रेरणा पूछेंगे कि मेरे प्रेरणा क्या रहती है, तो भाई मैं यही चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने ज्ञान अर्जित किया है और लोगों ने मेरी मदद की ये ज्ञान अर्जित करने के लिए और आज भी कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले जो छात्र हैं, जो पीढ़ी है, मैंने उनकी मदद करनी चाहिए। जो लोगों ने मेरी मदद की है तो मुझे भी आने वाले लोगों की मदद करनी चाहिए, और कोशिश मेरी ये रहती है कि जो भी मेरी नॉलेज है उसको मैं कम शब्दों में सटीक तरीके से लोगों को बता सकूं, ताकि लोग जो बच्चे हैं उनको वो चीज़ें आसानी से समझ में आए। और एक चीज़ बताना चाहता हूं अगर आप अनुरोध करेंगे, बिल्कुल, जो मेरे जीवन में मैंने सीखा है कि कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते, और कुछ बच्चे इतनी मेहनत नहीं करते लेकिन फिर भी बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। उसके पीछे का एक फंडा है जो मैं समझता हूँ कि जो उन जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो चीज़ों को समझ जाते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते और रटते रहते हैं और उसी को बार बार दोहराते रहते हैं, वो बेचारे 12 घंटे 15 घंटे मेहनत करते रहते हैं लेकिन सक्सेस नहीं ले पाते। तो मेरी इन किताबों में मैंने यही कोशिश की है कि जो भी बच्चे हैं, चाहे गरीब तबके के हैं, चाहे कहीं के भी हों, उनके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाएँ तो वो लोग कम मेहनत में ही बड़े बड़े एग्जाम निकाल पाएं। तो यही मेरी एक कोशिश रहती है ताकि उनको वो तकलीफ ना झेलनी पड़े जो कई हमने झेली या बाकी बच्चे झेलते हैं। तो ये मेरी इसमें कोशिश रही है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं तो वो कम मेहनत में ही आगे जा पाएं। मातारी साहब, अगर ऐसे हमारे दर्शकों को यदि आपकी ये तीनों किताबें पढ़ने का मन कर रहा हो तो वे कैसे उन्हें पा सकते हैं? तो ये किताबें मार्केट में अवेलेबल है, नागपुर शहर में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो उस तरीके से उसको मंगा के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर, मेरे आखिरी के 2 सवाल अभी रह चुके हैं, मेरा उसमें से पहला जो सवाल यही है कि पुलिस कमिश्नर, जो नए पुलिस कमिश्नर साहब है अमितेश कुमार साहब, ने ये कहा है और ऐसी हिदायत सब थाने के PI को दिए कि कुछ उनको दत्तक काम दिया गया है जी, यानी उनके एरिया के अंदर में, उनके ज्यूरिडिक्शन में जो जो मतलब क्राइम हो रहे हैं और जो गुंडे या जो बड़े नामचीन ऐसी जो है लोग है जो कामकाज ऐसे कर रहे हैं, तो उनके बारे में पूरा कार्रवाई की जाए और एक एक PI को 2-2, 3-3 ऐसे नाम भी दिए गए, इसके ऊपर में रोशनी डाली, क्या था उनका? तो उसमें जितने भी देखे, जैसे मैंने आपको प्रतिबंधक कार्रवाई के बारे में बताया कि जो लोग पहले क्राइम कर चुके हैं उन पर अगर हमने रोक लगाई तो हम लोग आने वाले क्राइम को रोक सकते हैं, क्योंकि नए लोग जो क्राइम में आते हैं, क्रिमिनल क्राइम की सोसाइटी में आते हैं, वो कहीं ना कहीं पुराने लोगों से जुड़े हुए रहते हैं।
तो उन्होंने अपने काम को डिवाइड करते हुए हर कर्मचारी को कहा कि भाई आपने ये तीन चार लोगों को कंट्रोल करना है। एक मान लीजिए कोई तड़ी पार है, मान लीजिए एक पुलिस स्टेशन का स्टाफ है 50 लोगों का, उस पुलिस स्टेशन में 50 लोग तड़ी पार हुए हैं, तो हर कर्मचारी को एक एक आदमी दिया गया कि तुमको इस पर नजर रखनी है, अगर ये एरिया में वापस आता है तो इस पर कार्रवाई करनी है, अगर इसके घर में हथियार मिलते हैं तो घर चेक करना है, अगर ये किसी के साथ डिस्प्यूट कर रहा है तो इस पे कार्रवाई करनी। तो इस तरीके से लोगों को दत्तक दिया गया है कि भाई एक कर्मचारी 4 या 5 क्रिमिनल को दत्तक लेगा और उनकी एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए उन पर नजर रखेगा, और अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने में प्रशासन की मदद करेगा। बिल्कुल। और ये जो पहले अगर इसके ऊपर में सही मायने में यदि अमल हो जाए दर्शकों, तो वो दिन दूर नहीं जब नागपुर शहर का ग्राफ पूरी तरह से खत्म होने के लिए या कम होने के लिए या बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है, बशर्ते पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई इस हिदायत को, इस काम को बखूबी के साथ हर थाने के PI ने करना चाहिए, पुलिस कर्मियों ने भी करना चाहिए। लेकिन सर पुलिस की एक शिकायत हमारे पास ये भी आई थी, एक पुलिस वाले ने अपना नाम न बताने की शर्त पर पिछले समय में ये कहा गया था कि जब हम घर में जाते तो हमारे PI साहब हो या बड़े आला अधिकारी हो, वो हाथ में कुछ ना कुछ ऐसा कागज़ थमा देते कि जाते जाते इस कागज़ को लेके देखो ढूंढो। तो सर ये कहीं ना कहीं बराबर बात है। देखिए, अब जो पुलिस का काम है वह कोशिश तो ये की गई है कि 8 घंटे की ड्यूटी रहे, लेकिन नेचर ऑफ द जॉब ऐसा है कि वो ड्यूटी 8 घंटे से ज़्यादा बढ़ी जाती है और बढ़ते बढ़ते कभी कभी 24 घंटे की भी हो जाती है। जी कारण कि आप शहर के क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ, पुलिस में भी ऐसी ऐसी ब्रांचेज हैं जैसे कि CID हो गया, आपका SID हो गया, एंटी करप्शन हो गया, जहां पर आपका काम 8 ही घंटे का है, लेकिन जो कर्मचारी अधिकारी लोकल पुलिस में काम कर रहे हैं, शहर पुलिस में काम कर रहे हैं, उनका ड्यूटी आवर्स डिफाइन नहीं किए जा सकते। और क्यों क्यों नहीं डिफाइन किए जा सकते? क्योंकि क्रिमिनल की काम करने के जो समय है वह डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसीलिए हर लेवल पर कमिश्नर साहब डेप्यूटी कमिश्नर को देंगे, डेप्यूटी कमिश्नर साहब थानेदार को देंगे, थानेदार उनके PSI को देंगे, PSI उनके कर्मचारी को देंगे। हर तरीके से लोगों का जो काम है वह बढ़ ही जाता है, क्योंकि जो क्राइम होना है उसका कोई समय सीमा नहीं है, उसके कोई लिमिट नहीं है। तो जाते जाते घर जाते जाते वैसे कि मैं भी बताना चाहूँगा कि जब दिवाली आती है लोग इंजॉय करते हैं, हम लोग सारा काम पेंडिंग काम निपटा के मान लीजिए घर पे चले भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना हो जाती है जो हम नहीं सोच पाते हैं। जी जी हम बिल्कुल लोग कभी सोचते हैं कि आज हम लोग बैठ जाएं फैमिली के साथ, टाइम निकालें, कहीं खाना खाने चले जाएं, लेकिन कोई ऐसी घटना हो जाती है। तो हम लोगों ने ये चीज़ अपने समझ ली है, हमारे परिवार ने भी ये चीज़ समझ ली है, और जितने भी लोग लोकल पुलिस में काम कर रहे हैं उन लोगों ने और उनके परिवार ने ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि आप 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, कोशिश सरकार जरूर करेगी कि आपकी ड्यूटी 8 ही घंटे की रहे और औसतम रहेगी भी, लेकिन आपने तैयार रहना है कि 24 घंटे की आप ड्यूटी करें, और कभी भी आपको ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है, और कभी भी आपको क्राइम कंट्रोल करने के लिए अपनी जान बाजी पर लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सबके परिवार के मन में होना चाहिए और सभी कर्मचारियों के अधिकारियों के मन में रहना चाहिए। बिल्कुल, DCP साहब ने काफी अच्छी जानकारी दी, और ये मात्र पुलिस प्रशासन के लिए तो मीडिया कर्मियों के लिए भी ये बात जी लागू है, क्योंकि हम हमारे अनुभव के अनुसार आपको बताते हैं कि कभी कभी हम खाना खाते घर में रहे और हमें कॉल आया तो थाली छोड़ के भी हमें भागना पड़ता है, जी क्योंकि जी हमारे दर्शकों के लिए हमें अच्छी अच्छी चीज़ें देना पड़ता है, हर जानकारी उनके पास पहुँचाने के लिए। हाँ, मीडिया कर्मी भी जी सब दौड़ते रहते हैं, कामकाज करते रहते हैं। बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी। सर मेरा आखिरी का सवाल कि जिस तरह से आपने UPSC जो मतलब जो क्वालिफाई जो आपने किया है, आप एक आदर्श हो हमारे तमाम दर्शकों के लिए। ये जो पुलिस प्रशासन में आना चाहते हैं मगर जो UPSC को लेके उनके मन में खौफ है या पूरी तरह से वो उन्होंने कामकाज नहीं किया है, तो वो मेंटली प्रिपेयर कैसे हो सके, उन्हें क्या मार्गदर्शन करोगे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, UPSC में भारत के कई छात्र UPSC में आना चाहते हैं, इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। खौफ इसलिए है क्योंकि विश्व का कहा जाता है कि सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है, भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और सीट्स 500-600 हर साल की रहती हैं, उसलिए उसमें खौफ रहता है। लेकिन मैं सभी पाठकों को, सभी छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ें। जिस दिन आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना छोड़ देंगे, आप पढ़ें
सीखने के लिए पढ़ें, जानकारी लेने के लिए पढ़ें, ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ें। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली दुनिया का कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे एम्स का हो। लेकिन आप अगर ये सोच के पढ़ेंगे कि भाई मेरे को ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, मेरे को 4 महीने बाद यहाँ पर जाना है, 5 महीने बाद वहाँ पर जाना है, आपके दिमाग पर प्रेशर आएगा, आप चीज़ों को रटना चालू कर देंगे। आप रटिए मत, आप कोशिश कीजिए कि आज जो मैं पढ़ रहा हूँ वह मेरे को समझ में आ जाए, कल मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे को समझ में आ जाए, बस यही सोच के साथ आप पढ़िए। डेली की पढ़ाई में सक्सेस हासिल करने की कोशिश कीजिए, ऑटोमेटिकली एग्जाम में आपको सक्सेस मिल जाएगी। बिल्कुल, और कामयाबी किसे मिलती है? उन्हें मिलती है कि कहते हैं ना कि यूं ही कभी किसी की तारीफ नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सही सर आपने कहा है। तो दर्शकों, आप थे डीसीपी साहब मतानी साहब, जो जोन 3 के डीसीपी है, और इन्होंने नागपुर का चार्ज भी संभाल लिया है, और इनके अंतर्गत कई पुलिस थाने भी आते हैं, और सबके ऊपर में यानी पुलिस कर्मियों के साथ साथ बाकी के जो लोग हैं उनके ऊपर में इनकी पैनी नज़र है। और शायद ही कोई गुंडागर्दी करने वाला ये आरोपी हो या बाकी के जो 2 नंबर के जो कामकाज है उसके ऊपर में अंकुश लगाने के लिए डीसीपी साहब दिन रात काम कर रहे हैं। और मैं डीसीपी साहब आपके बारे में इतना ही कह देना चाहता हूँ कि हिमालय की है पुकार, बहादुर हो बड़े चलो, बड़े चलो बड़े चलो, आगे सबसे हो चलो। तो दर्शकों, आप थे खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान डीसीपी मतानी साहब। अगली बार हम किसी पुलिस प्रशासन के ऐसे ही किसी पर्सनैलिटी को आपसे रूबरू करवाएंगे। तब तक दीजिए संजय मिरे को इजाजत, और आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल इनबीसी न्यूज नागपुर। नमस्कार सर, आज आप हमारे स्टूडियो में जिस प्रकार से हमसे आके यहाँ पे जो समय दिया, इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक्स वंस अगेन। दर्शकों नमस्कार।